हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज कन्नू की पीटीएम है और मैं उसके साथ जा रही हूँ कॉलेज। अभी कॉलेज स्कूल अभी हम तैयार हुए हैं। हाय, ट्यूशन में जाना है, परसों मेरा एग्जाम भी है, तो जल्दी जल्दी जाने जल्दी जल्दी वापस आते हैं। चलो, इतनी तेज धूप हो रही है बाहर, ये भगवान, मैं सनस्क्रीन लगा ली थी। बात कन्नू की शिकायत भी लग चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है, अब हम जाते हैं घर। मज़ा आता है यार स्कूल में आके। जब एक बार स्कूल में आ जाना मन नहीं करता। पहले स्कूल आते थे घर जाने का मन करता था, तो और अब मन नहीं करता जाने का। वो अपने HTCT में भी आया था सेकेंड कोलंबो बट एडमिशन ओपन। चलो चलते हैं घर। हमारा झूला था, उस पर बैठते थे कभी कभी, बहुत रहे यार हमारा मतलब तो स्कूल का। स्कूल आओ और भटूरे ना खाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने चोकन ले लिया है और हम खाएंगे। चलो भटूरे, पढ़ाई कर लिया कर। मैं तो करके निकल भी गई भाई, निकल गई मैं करके। शॉर्ट जा रहे हैं हम स्कूल से। हमारी फोटो हटा दी यार, वैसे हम 2 साल पहले का बैच है। इसके ज़्यादा कह रहा मैं सीट है पकड़ी थी स्कूल के बाहर इतनी देर से। पापा बैठ के कन्नू के नंबर देख रहे हैं। आपको कंप्यूटर ओ इधर दिखा वे, तेरे बाप को बड़ा कुछ आता है कि चक्कर में वो 15 में से 11 नंबर। और क्या दिखा जरा हम लोग में। अब मैं आ गई हूँ घर नीचे शॉप से, और घर आके अभी मैं रख रही थी चावल। सो आज हमारा वो नहीं है, कुकर की रबड़ नहीं मिल रही, इसलिए मैंने आज कढ़ाई में रखे हैं चावल। फर्स्ट टाइम कढ़ाई में बना रहे, देखते हैं सही बनते हैं या नहीं, जल ना जाए। हम लोग खाना खा रहे थे और एकदम से वॉशरूम से आवाज़ आई पापा के, पापा की कन्नू का बच्चा पापा को वॉशरूम में लॉक करके आ गया था। गालियाँ पड़ती हैं उसको, क्या बोल रहे पापा। अभी मैंने पूछा भी है कि पापा नहीं आए। पापा को बाहर से कुंडली लगा रहे, पापा के इतने दरवाजा खटखट करने। यार इतना अच्छा कुछ हुआ है ना आज मेरे साथ, मेरे साथ इतना ज़्यादा अच्छा हुआ है ना, कुछ वो चीज़ कंफर्म हो जाएगा ना तो मैं सबको बताऊँगी। आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट, सो एक्साइटेड फॉर इट। तुम लोग गेस भी नहीं कर पाओगे क्या हुआ है। और एग्ज़ाम है मेरा परसों, तो पहले एग्ज़ाम देते हैं। वो उस एक्साइटमेंट में उनसे पढ़ाई भी नहीं हो रही है, और देखते हैं तुमको बताऊँगी क्या है। तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज रात तक का बेटा, आज रात को चीज़ कंफर्म हो जाएगी। एक बार कंफर्म हो जाए फिर आज चली गई। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और मुझे ट्यूशन जाना है, मैं ट्यूशन जाने के लिए कपड़े चेंज किए हैं बिकॉज उसमें काफ़ी गर्मी लग रही थी, और मैं यहाँ बैठ के इतनी देर से पढ़ रही थी। तो पढ़ रहे हैं परसों पेपर है। क्यों आते हैं पेपर, मुझे एग्ज़ाम्स देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर एक हम तो हैं भी ड्यू वाले के, तो पेपर भी साल में बस 2 ही बार होते हैं। स्टिल चलो यार, ट्यूशन जाती हूँ पढ़ती हूँ, ट्यूशन में ही पढ़ाई होगी, घर पे तो नहीं हो रही, घर पे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। चलो जाते हैं। तो आ गई थी मैं ट्यूशन से, और आज घर में बने हैं मिनी पिज़्ज़ास जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। गेट में खड़े होकर हम यहाँ खा रहे हैं। इसको पूरे 2 साइड से नहीं किया, बड़ा पिज़्ज़ा भी आ गया। बड़ा नहीं आया, मिनी नहीं आया। परसों मेरा पेपर है, मैं अभी आई ट्यूशन जा, सो उन्होंने काफ़ी लंबी क्लास ली क्योंकि अभी हमारा सिलेबस तो पूरा हो चुका है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस बाकी है, अभी करेंगे प्रैक्टिस। देखो
भूखे लोग बस खाना आता है ना। मेरी कॉपी पे क्यों रखा है, मतलब कितने बेशर्म हो यार, मम्मा हद करते हो। हमने तो अच्छा केचप ला दे यार, या केचप ला के अभी मैं तो वीडियो शूट कर रही हूं। कांट कैसा है? नो पक गया। ओ बेचारा ये भी हार गया, मैं भी हार गई। ये बंदी ये सबसे पहले शुरू हुई थी, पहला पिज्जा और आखिरी पिज्जे तक ये जिंदा है। ओ ये लो मम्मी आप भी खाओ। कल मदर्स डे है मम्मी। अरे यार आप इतनी मेहनत से बना के आए हो। खाना वैसे देखना तीन है मेरे पास, कितने सारे पड़े हैं। अरे तो क्या हो गया, आप खा सकते हो। अच्छा मोटापे से मोटी हूँ मैं, मोटी। अच्छा मोटी आंटी। अरे खा लो यार खा लो। नहीं बस वो नहीं खाना। कन्नू का तो खाने का इस्तेमाल नहीं हो रहा क्योंकि आज कन्नू की बहुत बीमारी हुई है। अपने आप को ध्यान ले। इस बंदी को वहीं बैठना होता है, वहीं अपने सारे काम करने होते हैं जहाँ हम पढ़ाई करने बैठते हैं। हम सर्जरी पढ़ रहे हैं और ये चश्मा उतार के बैठी है ब्लॉग में आने के लिए। और ये अपनी फेस एक्सरसाइज कर रही है क्योंकि ये जो इसके गाल लटकने लग गए हैं आजकल उसके पतला होने के लिए। करो बेटा देखिए वो उसको देखो। हाय गर्ल। हाय जी कच्चा हो गया। हाँ बदतमीजी वो कह रही है दफा हो यार, उन्होंने बदतमीज नहीं कहा तो वो तो है ही, उस पर क्या कर सकते हैं। मैं भी दिख रही हूँ थोड़ी मेरे सब्सक्राइबर्स को 24 घंटे मैं दिखती हूँ यहाँ सुंदर सी, और एकदम से उनको आप दिख जाए उनका जी कच्चा नहीं होगा। ऐसे ही करते हैं रिया के दोस्तों को ऐसे ही। हाँ रिया के दोस्तों को नहीं वो पोज मारी चाहिए। अपने फ्रेंड्स को भी हाय बोल ले, कुछ बोल ले। आरुषियन आरुषियन रोबिना आरुषियन आरुषि से तुम आरुषि का तुम्हें टेक्स्ट आता है। हाय आरुषियन रोबिना ठीक है। तेरी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, सुनाई दे रही है बस तेरी आवाज़। खुश हो जाएंगे वो ठीक है। थैंक यू बोल लेना। मेरे साथ आज तक 3 लोग फोटो क्लिक करवा चुके हैं, मेरे ब्लॉग्स देखे हैं वाले। nice. बहुत बड़ी तोहफे में घर पे देखो कैसे बैठी रहती हूँ। okay. बढ़िया चलो बाय। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कल जो वीडियो आएगी ना, मतलब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो ज़रूर देखना बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी सो गुड, बिकॉज वो चीज़ कन्फर्म हो चुकी है फाइनली, दैट इज़ कन्फर्म। और अब नेक्स्ट वीडियो में देखना सारे, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो कुछ होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू ऑल। बाय।